ये जो आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है, ये पीओजे के विस्थापित समाज के उपलक्ष्य में ही है कि हम टाइम टू टाइम जो अपनी डिमांड्स रखते आ रहे थे सरकारों के आगे, तो बहुत सालों बाद 75 साल के विस्थापन के बाद आज ऐसा हुआ है कि जैसे ही हम डिमांड्स रख रहे हैं वैसे ही ये पूरी भी हो रही हैं। तो 6 मार्च को इसी वर्ष हमने एक प्रोग्राम किया था स्पोर्ट्स स्टेडियम चट्ठा में, बोर कैंप में। वो भी माननीय हमारे श्री मनोज सिन्हा जी, जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं, उनकी तरफ से ही था। जो उन्होंने एक स्पेशल गवर्नेंस कैंप्स रखे थे हमारे पीओजे के विस्थापित समाज में, उसका वहाँ उद्घाटन हुआ था। और फिर उसके बाद वो तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में वो अलग अलग जगह वो कैंप लगाए गए थे, जहाँ की इसी विस्थापित समाज को गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स के बेनिफिट्स दिए गए थे। उस फंक्शन पे और उससे पहले भी जो हम उनको जो रिप्रेजेंटेशन देते रहे थे, उस फंक्शन पे हमारे एलजी साहब ने अनाउंसमेंट की थी कि हमें पीओजे के भवन स्थापना के लिए लैंड दी जाएगी, और ये जो हमारा एक्सग्रेशियर रिलीफ 5.5 लाख का जो मिल रहा था यहाँ के जो यहाँ जो जे एंड के में लोग यहाँ स्थापित हुए, तो उसका डेट एक्सपायर हो गया था 31 मार्च को, तो उस डेट को भी एक्सटेंड किया जाएगा, और हमारी कुछ कॉलोनीज़ हैं जो उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा वगैरह वगैरह। तो इतनी तेज़ी से उन्होंने इस पर एक अमली जामा भी पहनाया कि हम वाकई उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। लैंड हमें इमीडिएटली मिल गई थी, उसके बाद करीब 2 दिन के अंदर ही हमें लैंड अलाटमेंट मिल गया। सुकेतर के पास ज़मीन अलाट की गई पीओजे के भवन स्थापना के लिए, और उस पर उसका कार्य भी शुरू कर दिया गया है। उसका जो प्रक्रिया होती है उसको बनाने की, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम उनके। और फिर कल ही जो एक दूसरा ऑर्डर निकला कि वो जो 5.5 लाख एक्सग्रेशियर रिलीफ से जो वंचित रह गई थी फैमिलीज़, उनकी जो डेट एक्सपायर हो गई थी उसको भी बढ़ाकर उन्हें 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई इस तरह से हम लोगों की सुध ले रहा है, और हमारे साथ जो इतना अच्छा जो रिस्पॉन्ड किया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो ये सब संभव हो रहा है क्योंकि केंद्र में भी और हमारे यूटी में भी इस वक्त जो सरकार है वो पूरी तरह से पीओजे के विस्थापित समाज को उनकी परेशानियां दूर करने के लिए उनके साथ चल रही है, और हर चीज़ में हमारे साथ है। और इस ढंग से हमें लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि हम अपना पीओजे के भी एक दिन वापस लेके रहेंगे। तो बाकी की चीज़ें जो हैं और भी हमारी डिमांड्स हैं, वो बाकी का विषय जो है हम अरुण जी आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आप सभी मीडियाकर्मी जो हैं उनका हम यहाँ स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि आप अपना समय देकर यहाँ पर आए। जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि माननीय एलजी साहब ने जो हमारा 5.5 लाख रुपया सभी जम्मू कश्मीर में रह रहे विस्थापित परिवारों को मिला था, जिसकी डेट 31 मार्च 2023 को एक्सपायर हो गई थी, और काफ़ी सारे परिवार तकरीबन 5000 परिवार हैं जिनको ये राशि नहीं मिल सकी, उसके लिए भी जो हमने डिमांड की हुई थी एलजी साहब से, तो उन्होंने कल ये डिमांड मान ली है और इन्होंने रिकमेंड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वहाँ से ये डेट एक्सटेंड हो गई है। जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हमारी और भी बहुत सी डिमांड्स हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर से बाहर हमारे विस्थापित परिवार रह रहे हैं उनको भी ये राशि मिलनी चाहिए, उनको भी जम्मू कश्मीर के अंदर लैंड मिलनी चाहिए। 1947 में काफ़ी सारे हमारे परिवार हैं जिनको उस समय की सरकार ने जबरदस्ती जम्मू कश्मीर से बाहर भेज दिया, क्योंकि वो उनकी मजबूरी थी, वो उनके बहुत से मसलात थे जो उन लोगों के यहाँ रहने से शायद हल ना हो सकते, तो ज़बरदस्ती हमारे परिवारों को जम्मू कश्मीर से बाहर धकेल दिया गया। हमारी ये भी डिमांड है कि उन सभी परिवारों को पुनः यहाँ पर लैंड दी जाए और उन्हें वापस जम्मू कश्मीर में लाया जाए। इसके अतिरिक्त हम चाहते हैं कि हमारे जो विस्थापित परिवार के बच्चे हैं उनको प्रोफेशनल कॉलेज में सीट्स मिलनी चाहिए, जो जॉब हैं उसमें हमारे बच्चों को कोटा मिलना चाहिए, ये भी हमारी एक डिमांड है। जो 183वीं
पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी उसमें हमारे एक रिकमेंडेशन था कि जितने भी हमारे विस्थापित परिवार हैं उनको 30-30 लाख रुपए की राशि मिलेगी। तो हमारी ये भी डिमांड है कि हमारी जो वो बाकी की रकम है वो हमारे सभी परिवारों को मिले, चाहे वो जम्मू कश्मीर से अंदर रह रहे हैं या जम्मू कश्मीर से बाहर रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त 15 मई को जो जम्मू कश्मीर से बाहर परिवार विस्थापित परिवार रह रहे हैं उनके डोमिसाइल बनाने की डेट जो है वो 15 मई 2023 को एक्सपायर हो रही है। तो आपके माध्यम से हम माननीय LG साहब महोदय से निवेदन करते हैं कि इस डेट को भी एक्सटेंड किया जाए ताकि बहुत सारे अभी परिवार हमारे बाकी हैं जिन्होंने अभी जम्मू कश्मीर से बाहर जो रह रहे हैं उन्होंने अभी डोमिसाइल नहीं बनवाया, तो ये ना हो कि वो इस सुविधा से वो वंचित रह जाएं। तो हमारा निवेदन है कि इस डेट को भी एक्सटेंड किया जाए।